हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का SKRG ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक नए ट्रिप में लेकर चल रहा हूँ जो जबलपुर से 30-35 किलोमीटर दूरी पर है और उसका नाम है बरगी डैम। वैसे तो बरगी डैम नर्मदा नदी पर बने 30 डैमों में से एक महत्वपूर्ण डैम है। इस डैम का महत्वपूर्ण इसीलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह जबलपुर और आसपास के क्षेत्रों में जल आपूर्ति का एक प्रमुख स्रोत है। बरगी डायवर्सन और रानी अवंतीबाई लोधी सागर प्रोजेक्ट इस डैम पर विकसित की गई दो महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं हैं। दोस्तों, नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में मिलती है। दोस्तों, बांध की ऊंचाई लगभग 69 मीटर है और लंबाई 5.5 किलोमीटर के आसपास है। तो दोस्तों, लगभग हम लोग पहुँच ही गए हैं और यहाँ से आप लोग देख रहे हैं ये गेट जो बरगी डैम के 21 गेट हैं जो बरसात के समय पे खुलते हैं तो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और नर्मदा नदी में जब जल स्तर ऊपर नीचे होता है तब ये गेट उसी के अनुसार खुलते हैं और बंद होते रहते हैं। तो दोस्तों, हम लोग फाइनली पहुंच ही गए हैं। ये देखिए गेट। अब हम लोग यहाँ से अब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पर टिकट लेंगे। यहाँ पर देखिए काफ़ी भीड़ है और ये देख रहे हैं आप लोग, यहाँ से सभी जगह की दूरी दिखाई दे रही है इस बोर्ड में। ये देखिए काफ़ी भीड़ है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, अपने देश से तो आते हैं, साथ में विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर लोग आते हैं घूमने के लिए। ये देखिए बोट, कितने मज़े से लोग इसकी सवारी का आनंद ले रहे हैं। हालांकि हम लोगों ने टिकट बुक करवा ली है और हमारा ये क्रूज आ गया है, इसी में हमें सफ़र करना है। और दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। अभी कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अभी तो पिक्चर बाकी है, क्रूज के नज़ारे देखने हैं। दोस्तों, मौसम अभी थोड़ा सा ख़राब हो गया था, अभी बिजली का गरजना भी हुआ।